हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब? आज एक और उठे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सराहा मैंने आपके बालों को, सराहा मैंने आपकी ऐस को, सराहा मैंने आपके कुत्ते को, सराहा मैंने आपकी बिल्ली को, सराहा पर नहीं सराहा तो आपके दिमाग को। मैंने इतना सराहा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता चूतिया बन गया। सर बहुत रोका अपने आप को कि इस ऐप के बारे में रिव्यू मत करूं। ना ही खुद इंटरेस्ट था, पता था कि बच्चों वाला काम है, कुत्तों वाला काम है। मजा आता है कि जब जूनियर सराहा के स्क्रीनशॉट्स अपनी फेसबुक वॉल पे लगाते हैं, वो हमारी फीड पे जब आते हैं तो सबकी फ्रस्ट्रेशंस देखने का अजीब सा ही कुछ मजा आता है। अब ये सब कुछ देख के मेरे से रहा नहीं गया और दिमाग में जो एक मजेदार किस्म की खिचड़ी बन चुकी थी, मैंने सोचा वो आप लोगों से भी शेयर करूं। तो कुछ ऐसा होता है जब सराहा के मैसेजेस आपको मिलते हैं, आई लव यू सीक्रेट एडमायरर। वैसे तो मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन मेरे में इतने थापड़ नहीं कि मैं तुम्हारे मुंह पे आके ये कह सकूं, आय हाय आपकी जुल्फें, आय हाय ये जुल्फें, हाय अल्लाह, हाय हाय रे अल्लाह। हे यू आर ब्यूटिफुल एंड ऑल्सो इडियट एंड लवली। यार आप जो कल रेड कलर का पजामा पहन के आई थी ना, वो रोज पहना करें। आई सेंड अ रिश्ता सून, देख लेना। ओ तुम भी, वैसे काफी टाइम से पसंद हो मुझे, पर यू नो स्टेटस, पतली होके काफी चिकनी हो गई हो। यू आर माई ह्यूज क्रश, आई लाइक योर स्माइल। वैसे व्हाट मेक्स यू थिंक यू सो गुड एट सिंगिंग ब्रो, आर यू गे? यार तुम इतने शोखे क्यों हो? Are you single and ready to mingle? कपड़े तो ढंग के पहन लिया करो, मरासी कहीं का। Sleeveless पहना करो। I like your arm veins. तुम्हारी ex girlfriend नहीं तो क्या हुआ? मैं हूँ ना। कोई कसर नहीं छोड़ी जी, कोई कसर नहीं छोड़ी सोशल मीडिया ने हमारी बर्बादी की। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि हर बंदा कॉम्प्लेक्स का शिकार होता जा रहा है। पता नहीं जो थोड़ी बहुत मोरालिटीज और थोड़ी बहुत वैल्यूज रह गई उनको भी वो खत्म कर देना चाहते हैं। और फिर जिनको ये मैसेजेस मिलते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि वो लोग तपते क्यों हैं। अरे मेरी बहन, अरे मेरे भाई, जब आपने खुद अकाउंट बनाया, सबको ओपन इन्विटेशन दे दिया कि अब मेरी लें आप, तो फिर गुस्सा किस बात का? फिर अपने स्टेटसेस में ये क्यों लिखते हो कि अगर तुझ में हिम्मत है तो ये मुंह पे आकर बोल, सामने आकर बोल। अबे क्यों सामने आकर बोले वो? इस ऐप का तो मकसद ही यही है कि एनोनिमस लोग आपको मैसेजेस करें और आपको पता ना चले। फिर तो सारा एक्स ही खत्म हो जाएगा ना अगर आपको पता चला भाई वो क्यों आपको मुंह पे बोले। अगर उसने आपको इनबॉक्स करना होता वो पहले ही कर देता ऐप के आने से पहले ही। अब जब अकाउंट बना लिया है तो फेस द म्यूजिक, नहायत ही घटिया फजूल और मकसदलेस ऐप। थोड़े से टाइम के शुगल के लिए हमें नहीं पता कि ये हमारे दरमियान कितनी इनसिक्योरिटीज, कॉम्प्लेक्सिटीज और लड़ाइयाँ डलवा रही है। अगर आप हैं इतने मेंटली स्ट्रांग कि आपको इस तरह के मैसेजेस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एनोनिमसली आपको कौन क्या कह रहा है, तो बिस्मिल्लाह कंटिन्यू रखिए अपनी इस ऐप को, ना डिलीट कीजिए अपना अकाउंट। भाई अगर आपको इतनी फैसिनेशन थी कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है और इतना शौक था अपने बारे में सच्चाई सुनने का, तो इंतजार करें उस बंदे या बंदी का। अगर उसमें सच बोलने के गट्स होंगे तो एक ना एक दिन आपके सामने जरूर आएगा, वो एक ना एक दिन जरूर आपको सामने से मुंह पे आपके अप्रोच करेगा। और जो डर के मारे कर ही नहीं सकता उसकी हमें क्या परवाह, ऐसे डरपोक लोगों की हमें जरूरत नहीं है। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो घंटी का बटन भी दबा लें ताकि आपको सारे पुठे पॉइंट ऑफ व्यूज टाइम पे मिल जाएगा। हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं या सराहा के बारे में कोई और बात करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे इस पुठे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं तो इसको शेयर भी कीजिए। कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग द वाइट साइड।